तो यह है मारुति सुजुकी इग्निस का बेस मॉडल यानी कि सिग्मा वेरिएंट। तो इस वीडियो में आज हम इसी कार के बारे में बात करने वाले हैं, कैसा दिखता है इस कार का एक्सटीरियर लुक और क्या क्या फीचर आपको इस कार के इंटीरियर में ऑफर की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से। और ये रहे इस कार के हेडलैम्प्स, हैलोजन बल्ब मिल जाएगा आपको इस कार की हेडलाइट और इंडिकेटर में आपको इसमें बल्ब मिलने वाला है और क्रोम भी देखने के लिए मिल जाएगा आपको इसकी हेडलाइट में। बीच में सुजुकी का लोगो कुछ इस तरह की आपको इसमें ग्रिल देखने के लिए मिल जाएगी और क्रोम भी मिल जाएगा आपको इस कार की ग्रिल में। जैसा कि आप देख सकते हैं फॉग लैंप भी लगे हुए हैं, ये एसेसरीज का पार्ट है। अगर आप शोरूम से लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, लेकिन आपको बेस वेरियंट में कोई भी फॉग लैंप देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको फॉग लैंप की हाउसिंग मिल जाएगी। आपको फ्रंट से देखने में कुछ ऐसा नहीं लगेगा, ये कार का बेस वेरिएंट है। और ये रही इस कार की साइड प्रोफाइल, 15 इंच के आपको इसमें व्हील्स मिल जाएंगे, इसमें आपको व्हील कवर देखने के लिए नहीं मिलेंगे और इंडिकेटर आपको इसके फेंटर में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ लाइंस मिल जाएंगी। और बॉडी कलर का रहने वाला है इस कार का ORVM और डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर के ही मिल जाएंगे। और कुछ इस तरह की दिखती है इस कार की बैक प्रोफाइल। ऊपर की साइड आपको एंटीना मिल जाएगा, स्पॉइलर मिल जाएगा, हाइड माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, बाइफर डिफोवर पोस्चर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है इस कार की बैक में। नेक्सा की ब्रेजिंग मिल जाएगी और कुछ इस तरह की आपको टेल लाइट मिल जाएगी इसमें, हेलोजन बल्ब मिल जाएगा आपको इसकी टेल लाइट में और इंडिकेटर और बैक लाइट में आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएगा। इग्निस की यहाँ पर आपको ब्रेजिंग मिल जाएगी और सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। और इस कार के बोर्ड को खोलने के लिए आपको यहाँ पर की लगानी पड़ेगी। नीचे साइड आपको सिल्वर स्किप प्लेट मिल जाएगी और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे और पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। तो चलिए कुछ इस तरह का था इस कार का एक्सटीरियर लुक। अब बात करता हूँ इस कार के इंटीरियर लुक के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल जाएगा आपको इस कार का इंटीरियर। इस पर आपको कोई भी स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पर आपको सिल्वर दिखने वाला है। और बात करता हूँ इस कार के इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर के बारे में। कुछ इस तरह का मिल जाएगा आपको इस कार में इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर। स्पीडोमीटर आपको इसमें बीच में मिल जाएगा और नीचे की साइड आपको छोटी सी MID दी जाएगी और इसमें आपको थोड़ी बहुत अलर्ट स्लाइड भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी अल्टोमेटिक सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके बेस वेरिएंट में। और यहाँ पर आपको 2 AC वेंट मिल जाएंगे। नीचे की साइड आपको हजार्ड लाइट का बटन मिल जाएगा। मैनुअल AC मिलने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।